जी बताइए आप। जी मैं अभी आपका व्हाट्सएप पर आपका ये नंबर देखा, IFHIT, तो उसमें मिस कॉल के लिए था, तो हमने कहा मैं कॉल ही करके सर से बात कर लूं। बहुत सुंदर किया आपने, बहुत ही अच्छा किया आपने। मैंने आपका जो सुना स्टेटमेंट, उसका मैं प्रभावित हुआ जी, कि कम से कम चलो कुछ तो अभी ऐसे हमारे महापुरुष महामानव है। आप एक बार फिर से अपना नाम बताएं, उन्नाव से आपने नाम बताया है। गया सुंदर तिवारी या डीएस तिवारी कार्ड फॉर्म। ओके, तो गया सुंदर तिवारी जी, जी आपकी उम्र क्या है? उम्र सर मेरी उम्र है 70 के आसपास। बहुत अच्छी बात है, आप अपने बच्चों के लिए महापरिवर्तित भारत चाहते हैं जो आज के भारत से पूरी तरह से भिन्न होगा। सर मैं पूर्णतः हृदय से परिवर्तित भारत की कामना करता हूँ। आपको मालूम है कि क्राइम फ्री भारत मिशन में वरिष्ठ नागरिकों की भी एक पूरी विंग है, क्योंकि मेरा मानना है कि इस दुष्ट व्यवस्था ने वरिष्ठ नागरिकों को सबसे ज्यादा कॉर्नर किया है। देखिए क्या हुआ है, एक वरिष्ठ नागरिक जो है पूरे अपने समय में सब कुछ करता है, दाता रहता है फैमिली का और लोगों को जोड़ता है, लोगों को उनकी अपनी जिम्मेवारियों का निर्वहन कराता है, पढ़ाता है, लिखाता है, और इस महंगाई के दौर में जहाँ पहले एक व्यक्ति जो है ना पूरे परिवार को पाल लेता है, इस महंगाई के दौर में पति पत्नी दोनों मेहनत कर रहे हैं, दोनों नौकरी कर रहे हैं, फिर भी अपने दो जोड़ी बच्चों को जो है दो बच्चों को नहीं पाल पा रहे हैं। ये ऐसी दुष्ट व्यवस्था पैदा कर दी है, और इस चक्कर में जो वरिष्ठ नागरिक है वो अपने ही घर में अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रहा है। कई बार उसे लगता है कि उसके जीने का मकसद खत्म हो गया है। कई बार जो है वो अपना दिन काउंट करने लग जाता है कि भगवान मुझे उठा ले। कुछ लोग मंदिर में जा रहे हैं, कुछ लोग जो है पार्क में घूम रहे हैं, कुछ योगा कर रहे हैं, कुछ लोग लाफिंग क्लब में जा रहे हैं, और जितना सकारात्मक हो सकता है ऐसा प्रयास हर कोई अपने स्तर पे कर रहा है। जी हाँ। लेकिन जो है मुख्य बिंदु पे ना, तो देखो हम जब पहले आ पाए ना अब आ पाए, 70 साल की लंबी उम्र बीत गई है। आप जो है आज सत्ता हस्तरण के 5 साल के बाद ही पैदा हो गए थे, राइट? जी हाँ। तो अब इतने सालों के बाद हमें इतनी समझ तो होना ही चाहिए कि हमारे ऊपर कौन से नियम कानून थोपे हुए हैं। जी हाँ। आपको ये तो जानकारी है ही ना कि 1857 की क्रांति को दबाने के लिए जो नियम कानून और व्यवस्था इन दुष्ट अंग्रेजों ने पैदा की थी, जो भारतीयों को अपमानित करने के लिए, उत्पीड़ित करने के लिए, शोषित करने के लिए बनाई गई थी, वही दुष्ट व्यवस्था हमारे इन राजनेताओं ने सत्ता को हस्तांतरण में पाकर अपने ही देशवासियों पर गुलामों के नियम कानून थोप दिए, जो कि अत्यंत ही निंदा और लज्जा का विषय है। जी हाँ, बिल्कुल सही है। और पिछले 75 सालों में इन दुष्ट लोगों के दिमाग में एक बार भी नहीं आया कि इस परिवर्तित भारत के लिए हमें नियम कानून बदलना होंगे, और इनमें परिवर्तन आमूल चूल होगा, छोटा मोटा नहीं, एकाध सेक्शन का नहीं, जिसकी पूरी फीलिंग बदलना पड़ेगी। अब ग्यास सुंदर जी, मैं आपको दूसरी बात कहना चाहूंगा कि जो प्रशासनिक और जुडिशियल व्यवस्था है ये भी वही व्यवस्था है जिसमें चंद मुट्ठी भर अंग्रेज कंडक्ट रूल और शासकीय सेवा में गुलामी का उपयोग करते हुए उन्होंने अपना साम्राज्य यहाँ चलाया, और इसी जुडिशियल और प्रशासकीय व्यवस्था के माध्यम से इस देश का शोषण किया। किया कि नहीं किया? बिल्कुल सच है। तो क्या ऐसी घटिया व्यवस्था किसी भी अच्छे राजनेता को अपने देशवासियों पर थोपना चाहिए? बिल्कुल नहीं थोपना चाहिए। अच्छा, अब मैं आपसे तीसरी बात पूछता हूँ कि पिछले वर्ष हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले पे 4 प्रण लिए थे, यदि आपको याद होगा तो। जी हाँ। जिसका दूसरा प्रण था कि गुलामी के हर अंश से मुक्ति। जी। तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को रेलवे स्टेशन के नाम पे, मोहल्लों के नाम पे, रोड के नाम पे तो गुलामी दिख रही है। हालांकि मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी की इस बात पे तारीफ करता हूँ कि गुलामी का, चाहे वो नाम में हो या यहाँ हो, कहीं पे भी हो, वो सब विलुप्त होना चाहिए।
मैं उनका 100% जो है ना समर्थन करता हूँ, लेकिन उसी साथ समर्थन के साथ मैं यही कहना चाहूँगा कि असली गुलामी जो है, जो अंग्रेजों के नियम कानून है उसमें है, असली गुलामी उनकी जो है जो प्रशासनिक और जुडिशियल व्यवस्था है उसमें है, असली गुलामी जो उन्होंने शिक्षण व्यवस्था इंडियन एजुकेशन एक्ट के माध्यम से गुरुकुल को तोड़ते हुए लाई है, असली गुलामी वहां बैठी हुई है। तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को वो गुलामी की बदबू ही नहीं आती है, अब क्या करेंगे बताइए आप मुझे, आती है क्या? हमने कहा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को उसमें गुलामी की बदबू नहीं आती है। बिल्कुल आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए, और मैथिली शरण गुप्त को तो उसमें गुलामी की सड़ांद आती है, बदबू। बिल्कुल सही है आप गुप्ता जी, बिल्कुल सही है। तो मेरा कहना ये है तिवारी जी कि अब ये आमूल चूल परिवर्तन का समय आ गया है। वैसे तो मैंने अपराध मुक्त भारत, क्राइम फ्री भारत का कॉन्सेप्ट नोट 2017 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में एज ए सिटिंग डीजी भेजा था और 2019 में उसे मान्य किया गया, जिसमें 5 सर्टेनिटी थी कि बिना थाने जाए आपकी FIR दर्ज हो जाएगी, यदि झूठी और गलत FIR दर्ज करोगे तो जेल में सड़ोगे, 15 दिन में ऐसे अकाट साक्ष्य इकट्ठे किए जाएंगे जो आज की पुलिस की औकात नहीं है उन्हें इकट्ठा करने की, वो जो है हैश वैल्यू से लॉक हो जाएंगे, उसमें एडमिसिबिलिटी सर्टिफिकेट और चैन ऑफ कस्टडी सर्टिफिकेट ऑटो जनरेट होकर उस एविडेंस में ऑटो अटैच हो जाएंगे, और वो एविडेंस मैनुपलेटेबल नहीं होगा, वो अकाट या इनफेलिबल हो जाएगा, और आपका चालान 12 घंटे से लेके 15 अधिकतम 15 दिन में पेश हो जाएगा। फिर इसी का तीसरा सिस्टम था क्राइम फ्री भारत वीडियो बेस्ड सिस्टम, जिससे बिना कोर्ट जाए आपका ट्रायल होगा 3 दिन से 30 दिन के अंदर, और ये इतना पावरफुल है कि इसमें जजेस की संख्या, वकीलों की संख्या बाधा नहीं बनेगी। फिर चौथा उसमें था एक डिजिटल चित्रगुप्त, कि अपराधी अपराध करने के पहले ये सिस्टम उसे पहचान लेगा और सही जगह पे पहले पकड़ लेगा, तो अपराधी को अपराध करने का मौका नहीं मिलेगा। फिर जो है, हाँ कर लिया, फिर जो है इसके बाद जो है पांचवी सर्टेनिटी के बतत कि आपने चलो उनको अपराध करने के पहले पकड़ लिया, अपने अपराध नहीं करने दिया, लेकिन तिवारी जी हमें ये समझना पड़ेगा कि यदि उस व्यक्ति को का पेट खाली है और यदि वो जेल जाने के लिए अपराध करेगा तो ऐसे अपराध को नहीं रोका जा सकेगा, मानते हैं कि नहीं? बिल्कुल सही। यदि हमें जेल जाना ही हमारा मकसद है तो ऐसे अपराध को आप कैसे रोक पाएंगे? इसे कौन रोक पाएगा, सही है। हाँ, तो तब जो है क्राइम फ्री भारत की पांचवी सर्टेनिटी कह रही है कि चूंकि हमें अपराधी के बारे में हर कुछ ही मालूम है, लिहाजा हम अपराधी तक को रीच आउट करेंगे, राइट? हाँ। तो हम उसको रीच आउट करेंगे और हम जो है उसको देखा जाए तो हम उसको रिहैबिलिटेट करेंगे, राइट? तो जब अपराधी रिहैबिलिटेट हो जाएंगे और उनका पेट अच्छे ढंग से अजय सज्जन सिटीजन के तहत भरेगा तो फिर उन्हें अपराध करने की जरूरत नहीं होगी, राइट? नहीं पड़ेगी। और सभी लोगों के ऊपर इसमें धन की वर्षा हो रही है, तो अभी तो उल्टा हो रहा है कि आप जो है अभी तो उल्टा हो रहा है कि आपका सिर फटा हुआ है और आपकी FIR दर्ज नहीं हो रही है। अब नए सिस्टम में आपको बिना थाने जाए आपकी ना केवल FIR दर्ज हो रही है बल्कि धन की वर्षा हो रही है, तो जो रिपोर्ट करने वाला है उसको भी धन की वर्षा होगी, जो गवाही देगा उसको भी धन की वर्षा होगी, जो फॉरेंसिक एविडेंस इकट्ठा करेगा उसको भी धन की वर्षा होगी, पुलिस को धन की वर्षा होगी, वकील की, और दोनों वकील चाहे डिफेंस लॉयर हो चाहे विटनेस लॉयर हो वो दोनों लोगों को ही ये धन की वर्षा होगी, राइट? और ये जितना भी धन बांटेंगे उसको 2 से मल्टीप्लाई करके हम अपराधी से वसूल करेंगे, राइट? तो ऐसी अद्भुत व्यवस्था, इसमें इतनी धन की वर्षा का प्रावधान किया गया है कि जो आज भारत सरकार कमा पाएगी इससे 10 गुना ज़्यादा पैसा अकेला क्राइम फ्री भारत भारत सरकार को देगा। फिर इसमें एक दूसरा मॉडल भी है, वो है पेपर करेंसी मुक्त भारत। तो आप बताइए यदि पेपर करेंसी खत्म हो जाएगी तो कोई भ्रष्टाचार कर पाएगा क्या? नहीं कर पाएगा।
यदि पेपर करेंसी खत्म हो जाएगी तो ये हवाला वाला हो पाएगा क्या? कुछ नहीं हो पाएगा। नहीं हो पाएगा क्या? जो ये बाहर से पैसा आके जो है लोग उसके लिए जो है टुकड़े टुकड़े गैंग दुष्ट लोग जो है अपने ही देश के विरुद्ध काम करते हैं, ये सब जो है जेल पहुंच जाएंगे कि नहीं पहुंच जाएंगे? बिल्कुल पहुंच जाएंगे सर। और ऐसा ही नक्सल्स के साथ होगा, ऐसा ही ड्रग माफियों के साथ होगा, और ऐसा ही जो है वो उसके साथ भी होगा। तो इस तरीके से आप मुझे बताइए कि हम जो है 2% की इसमें ट्रांजेक्शन फीस होगी, उस 2% की ट्रांजेक्शन फीस से इतना पैसा जनरेट होगा कि जो आज भारत सरकार कमा पा रही है उसका 10 गुना पैसा इस मॉडल से आ जाएगा। इसका मतलब है क्राइम फ्री भारत से 10 गुना और 10 गुना इस मॉडल से। जब आपके पास 20 गुना ज़्यादा पैसा होगा तो क्या देशवासियों से टैक्स लेने की ज़रूरत है क्या? नहीं नहीं यदि भारत सरकार के पास 20 गुना पैसा हो तो क्या उसे अपने देशवासियों से टैक्स लेना चाहिए? नहीं जरूर है, नहीं लेना पड़ेगा ना, तो भारत टैक्स फ्री हो जाएगा। अब आप ये देखिए, बड़ी सुंदर सी बात मैं आपको बताता हूँ कि इस मॉडल के तहत आपको टैक्स नहीं देना पड़ रहा है, राइट? और भारत के पास विकास के लिए 20 गुना ज्यादा पैसा आ जा रहा है। और फिर ये कह रहा है कि भैया आपके अकाउंट में पैसा हो चाहे ना हो, आपका जो है चेक बाउंस नहीं होगा। तो आप कहेंगे कि भैया कैसे चेक बाउंस नहीं होगा, पैसा कहाँ से आएगा, राइट? तो इस मॉडल में हर व्यक्ति के 2 अकाउंट है, एक है अर्निंग अकाउंट और दूसरा है कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट, राइट? दोनों ही आपके अकाउंट है, राइट? तो जब आपके अकाउंट में पैसा नहीं है तो आपके कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट से उतना पैसा डेबिट हो जाएगा और आपके अर्निंग अकाउंट में उसे क्रेडिट करके आपकी चेक जो है ना क्लियर कर दी जाएगी, राइट? और जब आपके अकाउंट में पैसा आएगा तो धीरे धीरे वो पट जाएगा, राइट? और जब आपका डेबिट एंट्री क्रिएट होगी तो आपके बच्चों को भी मैसेज आएगा कि आपके पिताजी की इतनी डेबिट एंट्री हो गई है। यदि आपके पिताजी पेमेंट नहीं कर पाए तो ये आपसे आपसे वसूल होगा, राइट? हाँ, और आप उसमें और खूबसूरती देखिए, जब आपकी लगातार 2-4 डेबिट एंट्री हो जाएंगी तो सिस्टम आपके पास पहुंचेगा कि भाई साहब ग्यारह सुंदर तिवारी जी, ये बताइए कि आपकी 3-4-5-10 जो है डेबिट एंट्री हो गई हैं और आपके अर्निंग में कोई पैसा नहीं आया है तो आपको क्या समस्या है? और आपकी उस समस्या को दूर करने के लिए यदि आपका जो है जो आज आपके ऊपर छापा मार रहे हैं और आपका अकाउंट जो है ना बंद कर दे रहे हैं, वही स्टाफ आपकी मदद के लिए पहुंचेगा तो एक बहुत ही प्यारी स्थिति होगी कि नहीं होगी? जी हाँ बिल्कुल होगी। तो इस तरीके से भारत में कोई दिवालिया नहीं होगा। भारत में जो है क्राइम फ्री भारत का जो एग्रो मॉडल है उससे जो अभी रासायनिक विष का जो है बम्बार्डिंग हो रही है वो विलुप्त हो जाएगा, राइट? और उसमें जो है जीवा अमृत, घन अमृत और ढेर सारे जो माइक्रोब्स हैं, बहुत सारे केंचुए हैं, उन सब का उपयोग करते हुए 1 साल में आपकी मिट्टी को पुनः उपजाई बना दिया जाएगा, उसकी सुगंध आने लग जाएगी। और एक पूरा मॉडल है जिसके तहत किसानों की आमदनी 5 गुना बढ़ जाएगी। आज की सरकार तो 2 गुना भी नहीं कर पा रही है, राइट? कर पा रही है? नहीं कर पा रही है, करेक्ट। और मजदूरों की आमदनी 10 गुना होने वाली है। आपको निरोगी और दीर्घायु भारत मिलेगा, आपकी जनसंख्या नियंत्रण के कानून होंगे, भारत में रहने वाला हर व्यक्ति नागरिक समान होगा। इन दुष्ट राजनेताओं ने उसे जाति और धर्म में बांटकर अपना राजनीतिक उल्लू सीधा किया है और इस देश में सिर्फ जीतने के लिए दंगे फसाद कराए हैं। कराए हैं कि नहीं कराए हैं? बिल्कुल आज भी करा रहे हैं। आज भी करा रहे हैं, बिल्कुल सही आपने कहा है। तो आप नहीं चाहेंगे कि महापरिवर्तित भारत का आप हिस्सा बने? बिल्कुल बनेंगे। तो आप जो है मैं आपको लिंक भेजता हूँ, उस लिंक से आप ऐप को डाउनलोड करके जुड़िए। और आप जो है इसके पहले क्या रहे हैं? आप वरिष्ठ नागरिक तो हैं, आप क्या व्यवसाय करते हैं, सरकारी नौकरी करते हैं, क्या करते हैं? मैं गुप्ता जी, मैं शिक्षक था। ओके, तो
तो इसमें इसमें शिक्षक, हाँ हाँ 15 में मैं सेवानिवृत्त हो चुका हूँ। ओके 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 ओके, तो इसमें शिक्षकों की भी विंग है, विद्यार्थियों की विंग है, वरिष्ठ नागरिकों की विंग है। इतने समय में आपके बहुत सारे शिष्य रहे होंगे, बहुत सारे लोग रहे होंगे, तो जो हाँ वरिष्ठ, बहुत। हाँ तो आप जो है तीनों विंग से लोगों को जो है ना जोड़ने का काम कर सकते हो, विद्यार्थियों को, युवाओं को जोड़ने का काम कर सकते हो, जो आपके विद्यार्थी वगैरह रहे हों, अब अच्छे पदों पे भी पहुंच गए होंगे। दूसरा जो है आप अपने साथी शिक्षकों को जोड़ सकते हैं, राइट, और उनको पदी जिम्मेवारी दे सकते हैं, ठीक है ना, दिला सकते हैं, मतलब दे क्या सकते हैं, दिला सकते हैं, राइट। और तीसरा जो है आप स्वयं वरिष्ठ नागरिक हैं, तो आप वरिष्ठ नागरिकों की भी जिम्मेवारी दिला सकते हैं, राइट। तो मुझे लगता है कि इन तीनों क्षेत्रों में आपको काम करना चाहिए। क्या आप काम करना चाहते हैं? जी हाँ बिल्कुल करूंगा, और काम ही क्या है। बहुत सुंदर बात कही आपने। तो मैं चाहूंगा कि आप जहां पे भी जा रहे हैं, जैसे जिम करिए, मंदिर में जा रहे हैं, या पार्क में जा रहे हैं, या योगा करने जा रहे हैं, या लाफिंग क्लब में जा रहे हैं, या रामायण भागवत सुनने जा रहे हैं, वहां जो आपसे जुड़े हुए लोग हैं, जिनमें ऊर्जा है उनको पद दिलवा दीजिए, और जिनमें ऊर्जा कम है उनको सदस्य के रूप में जोड़ दीजिए। ये इतना महापरिवर्तित भारत है कि राजनेता जो दो दो तीन तीन चार चार पाँच पाँच साल के, पाँच पाँच बार के जो है सांसद, विधायक, मंत्री और मुख्यमंत्री बने हैं, जिनका ये मानना है कि चुनाव लड़ना, चुनाव जीतना उनकी बापौती है। क्या है? उनकी बापौती है, और उनकी अकेली बापौती नहीं है, उनके बच्चों की भी बापौती है। ये बापौती वो चार चार पेंशन भी तो ले रहे हैं। करेक्ट, जितनी बार वो शपथ लेते हैं उतनी पेंशन ले रहे हैं, और इन दुष्ट लोगों को लज्जा नहीं आई कि जो लोग 40-42 साल की नौकरी कर रहे हैं, 2004 के बाद उन्हें पेंशन नहीं मिलेगी। तो दुष्टता तो इनके खून में बसी हुई है। तो अनपढ़ भी हैं, गवार भी हैं, बाहुबली भी हैं, दुष्ट भी हैं, दुष्चरित्र भी हैं, और अपराधी भी हैं, और मोटी खाल के भी हैं, जी हाँ है कि नहीं है? जी सब कुछ है इनके पास, यही है सब। तो आप नहीं चाहेंगे कि आप अपने लिए और अपने बच्चों के लिए एक महापरिवर्तित भारत, जो अपराध मुक्त भारत मिशन लेके आया है, और इजी तरीके से आपको जो है वो पदी जिम्मेवारी भी दे रहा है, आपको लोगों को जोड़ने का मौका भी दे रहा है, और लोगों को जोड़ के यदि आप नंबर वन पे आ गए तो आपको मुख्यमंत्री बनने का मौका दे रहा है राज्य स्तर पे, और यदि आप राष्ट्रीय स्तर पे वन पे आ गए तो प्रधानमंत्री बनने का मौका दे रहा है। और इस मॉडल को जमीन पे उतारने के लिए मैथिली शरणगुप्त नामक चाणक्य जो है, उसने इतने सारे मॉडल पैदा करके रखे हैं कि जैसे ही हम जो है इस नई व्यवस्था को स्थापित करेंगे, ये देश बदल जाएगा, इसलिए हम इसको महापरिवर्तित भारत कह रहे हैं। तो आपको नहीं लगता है कि ये महापरिवर्तित भारत कहीं ऐसा ना हो कि आपका दरवाजा खटखटा के वापस चला जाए, और ये आकाशवाणी करे कि रे दुष्ट लोगों, आप लोगों की निष्क्रियता और दुष्टता के कारण मैं महापरिवर्तन आपके दरवाजे को नॉक करके वापस लौट रहा हूं, क्योंकि अभी आपके पाप का घड़ा नहीं भरा है, इन्हीं दुष्ट राजनेताओं से अभी आपको जूते लाते खुद भी खाना है और आपके बच्चों को भी खाना है। आपको नहीं लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि महापरिवर्तन को ये आकाशवाणी करना पड़े? जी तो आप चाहेंगे कि महापरिवर्तन ऐसी आकाशवाणी करके आपके दरवाजे से वापस लौट जाए? कदापि नहीं। कदापि नहीं। तो क्या आप पूरी शक्ति से भिड़ेंगे क्या सुंदर जी तिवारी जी? जी हाँ गुरु जी, मैं अपनी टोटल सामर्थ्य रख जुटूंगा। बहुत सुंदर, बहुत ही ज्यादा सुंदर। तो मैं आपको लिंक भेज रहा हूं, आपको दो तीन काम करना है वो करिएगा। पहले तो जो है आपका अधिकार क्षेत्र क्या रखा जाए, जैसे आप उन्नाव से हैं तो उन्नाव जिला रखा जाए, राज्य रखा जाए, संभाग रखा जाए, या राष्ट्र रखा जाए, तो आपका जो है प्रभाव का क्षेत्र क्या है? जिले रखिए, मतलब जिला में यही है। ठीक है, तो मैं आपको उन्नाव जिले का वरिष्ठ नागरिक विंग का जो है उपाध्यक्ष घोषित करना चाहूँगा, राइट? क्या क्या आ क्या ये पदी जिम्मेवारी आप स्वीकार करने के लिए तैयार हैं? जी हाँ बिल्कुल। अब सेकंड बात जो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि इसके लिए आपको करना क्या है। तो एक तो आपको हमें
डिटेल भेजना है कि साहब मेरी ये चर्चा हुई, मैं जो है स्वेच्छा से अपराध मुक्त भारत मिशन के वरिष्ठ नागरिक विंग की उन्नाव जिला के उपाध्यक्ष की जो है पद के लिए अपनी सहमति देता हूँ और आपको आश्वस्त करता हूँ कि अपनी पूरी ऊर्जा और शक्ति से भिड़ूंगा और पदी अपेक्षाओं के अनुरूप काम करके अपराध मुक्त रूपी महापरिवर्तन को जमीन पर उतार दूंगा। एक तो ये लिखना है आपको, ठीक है। दूसरा आपको जो है इस लिंक से जुड़ने के बाद जो है जब आप उसमें अपना फोटो डाल देंगे, नाम डाल देंगे, अपने बारे में लिख देंगे और एरिया कोड डाल के प्लस करेंगे तो आपका आइडेंटिटी कार्ड जनरेट होगा और जब आप ऐप खोलेंगे तो वो आइडेंटिटी कार्ड आपको अपनी प्रोफाइल में मिलेगा। तो आपको अपना वो आइडेंटिटी कार्ड भेजना है, फिर अपना आधार कार्ड भेजना है, वोटर कार्ड भेजना है और एक सुंदर सा फोटो भी भेजना है जो बाद में जो है आपको एक तो अभी एक को आपको इमीडिएटली एक वो मिल जाएगा पद का लेटर और पद का जो जो आप अपने इसी आइडेंटिटी कार्ड में वो पद लिख के आ जाएगा। और दूसरा जो है आपको एक अलग से बाद में अभी जो है ना वो व्यवस्था कर रहे हैं, बहुत अच्छा हाई लेवल का आइडेंटिटी कार्ड और अपॉइंटमेंट लेटर अलग से भी जारी होगा लेकिन संभवतः उसमें अभी समय लगने की संभावना है। क्लियर? अच्छा, अब जो है आपको इमीडिएटली क्या करना है, आपको अपने जैसे जो है दो ऊर्जावान व्यक्ति और तीन को जो है ना सहायक उपाध्यक्ष घोषित कराना है और चार लोगों को एग्जीक्यूटिव मेंबर बनाना है। तो इस तरीके से पांच उपाध्यक्षों से इस तरीके से हमको दो सहायक उपाध्यक्ष और चार चार एग्जीक्यूटिव मेंबर मिलेंगे। तो जो हमारी हर लेवल की एक कमेटी है जिसको एग्जीक्यूटिव कमेटी कहेंगे, उसमें एक अध्यक्ष होगा, पांच उपाध्यक्ष होंगे, 10 सहायक उपाध्यक्ष होंगे और 21 जो है एग्जीक्यूटिव मेंबर होंगे। तो हम काफ़ी कुछ उसको कर पाएंगे। एक बार हमने वो कर लिया और फिर हमें अपने लोगों को जिनको हम जानते हैं जहाँ पे फिजिकली पहुँच सकते हैं वहाँ फिजिकली पहुँचें, तो जहाँ हम स्कूल कॉलेज में जा सकते हैं वहाँ पहुँचें और क्राइम फ्री भारत यूट्यूब पे 3900 वीडियोज अवेलेबल हैं जो ये समझा रहे हैं कि ये देश कैसे बदलेगा, राइट? तो आप उन वीडियो का भी जो है ना सहारा ले सकते हैं, उन्हें साथ में बैठ के सुना सकते हैं और फिर लोगों से ये पूछ सकते हैं कि भैया तुम्हें परिवर्तित भारत अपने लिए और अपने बच्चों के लिए चाहिए, तो जो जो सहमति करते जाए उसको जो है आप अपना लिंक भेज के जोड़िए। आपको मेरा लिंक उन्हें नहीं भेजना है, आप अपने जो है ना इसी आइडेंटिटी कार्ड में चार जो है ऑप्शन हैं शेयर ऑन व्हाट्सएप से कॉपी करके आप SMS से भी भेज सकते हैं और आप जो है फेसबुक और बाकी जगह पे भी उसे शेयर कर सकते हैं। तो तीसरा ऑप्शन है शेयर ऑन मीडिया और चौथा ऑप्शन है डाउनलोड लिंक। तो जैसे ही आप डाउनलोड लिंक करेंगे तो आपका फोटो आइडेंटिटी कार्ड आपकी गैलरी में आ जाएगा। फिर मैं आपसे अपेक्षा करता हूँ कि कम से कम प्रतिदिन, वैसे तो 10 लोगों को जोड़ना है लेकिन कम से कम 5 लोगों को जोड़िए और 10 लोगों को जोड़ के 2 ऐसे लोगों को जरूर या 5 ऐसे लोगों को सजेस्ट करिए जिन्हें पदी जिम्मेवारी दी जा सके। तो पदी जिम्मेवारी आपसे ऊपर के लेवल की भी हो सकती है, यदि आपको लगता है कि संभाग की देना है तो संभाग की दे सकते हैं, राज्य स्तर की सोचते हैं तो राज्य स्तर की दे सकते हैं, यदि नीचे जाएंगे तो उपसंभाग की, ब्लॉक की, टाउन की, विलेज की और पोलिंग बूथ तक उसे ले जा सकते हैं। और आपके पास 3 चीज़ों को आप कर सकते हैं, एक आप विद्यार्थियों को पकड़ सकते हैं, एक दूसरा आप शिक्षकों को पकड़ सकते हैं और तीसरा वरिष्ठ नागरिकों को। तो जो है जो जो आपके वरिष्ठ नागरिक हैं वो आपको कहाँ मिलेंगे, वो आपको मिलेंगे आप चाहे पार्क में जाइए या योगा सेंटर पे जाइए या मंदिरों में जाइए, जहाँ पे जनरली जो है वरिष्ठ नागरिक अपना समय बिताते हैं, हम उनके पास जाके उनको जोड़ने का काम कर सकते हैं। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। दूसरा जो है विद्यार्थियों के लिए हम स्कूल कॉलेज महाविद्यालय जा सकते हैं, उनके कोचिंग सेंटर पे जा सकते हैं, उनके हॉस्टल्स में जा सकते हैं, राइट? ऐसे ही जो है हम शिक्षकों को जो ऑलरेडी जुड़े हुए हैं उनके कॉलेज स्कूल में शिक्षकों की अलग से मीटिंग कर सकते हैं, उनको जोड़ सकते हैं। और चूंकि शिक्षक जो है टीचर और पेरेंट्स मीटिंग में बहुत सारे पेरेंट्स को भी जानते हैं, तो बच्चों के माध्यम से और अपने खुद के ज्ञान के माध्यम से वो हर विंग में लोगों को जोड़ने का काम कर सकते हैं, उन्हें पद दिलाने का काम कर सकते हैं। यदि हम ये काम करेंगे तो मात्र 9 दिन में हम 100 करोड़ के ऊपर पहुँच जाएंगे। और इन 100 करोड़ लोगों को देखिए, जब जो है इसमें यदि आप एक व्यक्ति को जोड़ते हैं तो वो आपको मोहल्ला अधिकारी बनाता है, राइट? यदि आप 3 व्यक्तियों को जोड़ते हैं तो जो ना सिस्टम आपको
टाउन अधिकारी बनाता है, 5 को जोड़ते हैं तो ब्लॉक बनाता है, 10 को जोड़ते हैं तो जिला अधिकारी बनाता है, 50 को जोड़ते हैं तो राज्य अधिकारी बनाता है, और 100 को जोड़ते हैं तो राष्ट्रीय अधिकारी बनाता है। और इसके बाद आपकी चंद्रगुप्त की यात्रा प्रारंभ होती है। तो ऐसे चंद्रगुप्त जो अधिक से अधिक लोगों को जोड़ेंगे, और जिस दिन चुनाव की घोषणा होगी उस दिन क्राइम फ्री भारत का प्रतिनिधि पहुंचेगा, एक चंद्रगुप्त का सर्टिफिकेट देगा और दूसरी जेब से निकाल के विधायक का टिकट भी देगा। यदि अब राष्ट्रीय स्तर की बात हो रही होगी तो आपको जो है वो जो है सांसद का टिकट थमाएगा, राइट? अब इसमें ग्यारह सुंदर जी, एक बड़ी सुंदर बात आपको समझना होगी कि आपको टिकट मिल गया, आपने अपना नामांकन भर दिया, तो आप प्रत्याशी हो गए कि नहीं हो गए? प्रत्याशी हो गए कि नहीं हुए? हो गए। लेकिन प्रत्याशी होने के बावजूद भी आपको किसी से नहीं कहना है कि मैं प्रत्याशी हूं मुझे वोट दो। तो आपको लगातार क्या कहना है कि भैया ये अपराध मुक्त भारत मिशन है, इन 21 लक्ष्यों के साथ अपने बच्चों के लिए यदि परिवर्तित भारत चाहते हो तो जुड़ जाइए। तो फिर आप मुझसे पूछेंगे कि आप जीतेंगे कैसे? तो ये जो है इस क्राइम फ्री भारत मिशन की सदस्य शपथ में इसका निदान है, जो कह रहा है पहला शपथ का हिस्सा कह रहा है कि मैं 10 लोगों को प्रतिदिन जोड़ूंगा, 9 दिन में 90 लोगों को जोड़ने का मैं संकल्प लेता हूं। दूसरा कह रहा है कि हम प्रतिदिन क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल से एक वीडियो को देखकर अपनी ऊर्जा को निरंतर बढ़ाएंगे। और तीसरा कह रहा है कि जब चुनाव का नोटिफिकेशन होगा उसके साथ जो चंद्रगुप्त की लिस्ट जारी होगी तो हमारे क्षेत्र का जो भी चंद्रगुप्त होगा मैं जो है छत पर चढ़ूंगा, थाली बजाऊंगा, दीपक जलाऊंगा और उद्घोष के साथ कहूंगा कि ग्यारह सुंदर तिवारी जी हमारे चंद्रगुप्त हैं, मैं उन्हें संकल्प के साथ, शपथ के साथ और उद्घोष के साथ विजयी बनाऊंगा। अब आप ये बताइए, जब चारों तरफ ये उद्घोष हो रहा होगा तो आपका पड़ोसी पूछेगा कि नहीं पूछेगा कि तिवारी जी ये हो क्या रहा है? हाँ या नहीं? पूछेगा। और जब आप उसे बताएंगे कि साहब ये महापरिवर्तित भारत आ रहा है तो वो भी कहेगा कि नहीं कहेगा कि मुझे भी महापरिवर्तित भारत चाहिए? और वो खुद छत पे चढ़ जाएगा कि नहीं चढ़ जाएगा? चढ़ जाएगा ना, बिल्कुल चढ़ जाएगा। तो जो 90-95% जब छत पे चढ़ जाएंगे, तो अभी जब कोई भी नहीं चढ़ रहा है तब जो है बहुत सारे नेताओं को लोबा गांव में नहीं घुसने दे रहे हैं। आप पेपर में पढ़ते रहते होंगे, पढ़ते रहते कि नहीं? जी हाँ जी हाँ। जब 95% लोग, 90% लोग छत पे चढ़ के थाली बजा रहे होंगे, दीपक जला रहे होंगे और अपने चंद्रगुप्त के नाम का उद्घोष कर रहे होंगे, तो इन दुष्ट राजनेताओं को आपके घर पे जाके आपका वोट मांगने की हिम्मत होगी क्या? सवाल ही नहीं उठा। अच्छा, अब आप बताइए, मैं आपको दूसरी सिनारियो देता हूँ कि आपके अध्यक्ष जो है मैथिली शरण गुप्त जब जो है ये बात आपसे कह रहे हैं कि भैया आपके यहाँ पे लोग बाग 500 रुपए लेके आएंगे और घोड़ा गाड़ी लेके आए और कहें कि चलिए साहब आम सभा में, तो हमें इस अवसर को खोना नहीं है, ना तो 500 रुपए खोना है ना इस अवसर को खोना है, राइट? तो उनकी गाड़ी में बैठ के जाइए, उनका जो है सम्मान स्वीकार करिए, लंच डिनर नाश्ता करिए और आम सभा में सम्मिलित होकर उनके भाषण को ध्यान से सुनिए। और ये लोग तो, इनको तो मक्कारी ही करना है, बदमाशी ही करना है, तो इनके भाषणों में जहाँ मक्कारी बदमाशी दिखाई दे उस पर हूटिंग करना है। तो जब आप हूटिंग के डर से इन राजनेताओं की आम सभा लेने की हिम्मत पड़ेगी क्या? नहीं, सवाल नहीं उठ, तो आप आम सभा भी नहीं ले पा रहे हैं। अब आप ये बताइए, आपने इमरजेंसी का दौर देखा है, इमरजेंसी में क्या कोई ऑल इंडिया रेडियो को सुनता था? नहीं, सब लोग BBC वगैरह को सुनते थे। तो यदि आपकी जो है छत पे चढ़े हुए लोगों का उद्घोष यदि ये चैनल वाले नहीं दिखाएंगे तो लोग बाग इनकी चैनल को देखना बंद कर देंगे कि नहीं कर देंगे? बिल्कुल बंद कर देंगे। तो जब ये TRP की डर से कि इनकी TRP 0 हो जाएगी, इन्हें मजबूरी में आपका जो है छत पे चढ़ के थाली बजाना, दीपक जलाना और अपने चंद्रगुप्त के नाम का उद्घोष करने के वीडियो दिखाना पड़ेंगे कि नहीं दिखाना पड़ेंगे? दिखाना पड़ेंगे, मजबूर होकर दिखाएंगे। और जब ये मजबूर होके दिखाएंगे और फिर राजनेता से कहेंगे कि भैया चारों तरफ ये क्या हो रहा है, उद्घोष हो रहा है, तो राजनेता की जो है नजरें नीचे झुक जाएंगी कि नहीं झुक जाएंगे? बिल्कुल झुकेंगे। क्या मतदान के पहले वो हार स्वीकार करने के लिए विवश नहीं हो जाएगा? मजबूर है, विवश होंगे ही। तो अब आप ये बताइए, जो मैं कह रहा हूँ कि आप जो है क्राइम फ्री भारत मिशन से जुड़ जाइए, तो बाबू जो है सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, मैथिली शरण गुप्त कह रहे हैं कि भैया केवल मिस कॉल मारो, हम आपको लिंक भेजेंगे, आप उसको ऐप को डाउनलोड करके जुड़ जाइए
और सदस्य संकल्प को पूरा कर दीजिए, मैं आपको महापरिवर्तित भारत दे दूंगा। और इस महापरिवर्तित भारत में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, माननीय गृह मंत्री अमित शाह समेत सभी राजनीतिक पार्टियों के ऐसे राजनेता जो कि चुनाव लड़ना, जीतना, मंत्री और मुख्यमंत्री बनना अपनी बापौती मानते हैं और उनका ये भी मानना है कि उनके बाद ये बापौती उनके बच्चों की भी है, ऐसे सभी बापौती मानने वाले राजनेता क्या मतदान के पहले अपनी हार स्वीकार करने के लिए बेवश नहीं हो जाएंगे? बिल्कुल हो जाएंगे, जब कुछ दिखाई नहीं पड़ेगा तो बेवश होंगे ही। अब आप मुझे ये बताइए कि इस पूरी प्रक्रिया में क्या आपने कोई नियम कानून तोड़ा? नहीं नहीं, आपने कोई नियम कानून तोड़ा? नहीं नहीं। आपने कोई चक्का जाम किया? नहीं। आप किसी कलेक्टर एसपी के यहाँ पे पिटीशन लेके गए? नहीं। क्या आपने जंतर मंतर पे कोई जो है धरना जुलूस किया क्या? नहीं। क्या आपने जो है आज के अंग्रेज वालों की जो पुलिस जो आपको अभी विरासत में मिली है, इस पुलिस को बैरिकेड लगा के आपके ऊपर डंडा बरसाने का मौका मिला क्या? जी नहीं। नहीं मिला। तो क्या वो आपके विरुद्ध फर्जी मुकदमा कायम करने की स्थिति मिली उसको? भाई मेरे खिलाफ तो नहीं मिली। किसी के खिलाफ नहीं मिलेगी, जो अपराध मुक्त भारत मिशन से जो जुड़ा व्यक्ति होगा उसके खिलाफ क्यों मिलेगी? नहीं मिलेगी। और ताज किसके सिर पे होगा? जो अधिक से अधिक लोगों को जोड़ेगा और राज्य स्तर पे यदि नंबर वन पे आ गया तो मुख्यमंत्री बन जाएगा, 2-3 पे आ गया तो उप मुख्यमंत्री बन जाएगा, 35-40 में आ गया तो मंत्री बन जाएगा, और मध्य प्रदेश की स्थिति में 230 में आ गया तो जो है विधायक बन जाएगा, और उत्तर प्रदेश की स्थिति में 403 में आ गया तो विधायक बन जाएगा। तो ताज आपके सिर पे है कि नहीं है? नहीं। आपके सिर पे ताज है? नहीं है। हाँ बिल्कुल है। और ताज आपके सिर पे है और साथ में ही आप जो है महापरिवर्तित भारत के नायक बन गए हैं, और इसमें जो है ये व्यवस्था की गई है कि 21 जो मॉडल ऑलरेडी डेवलप्ड हैं उन्हें पहले लाइव टेलीकास्ट के थ्रू उस सब्जेक्ट मैटर के एक्सपर्ट्स के साथ और चर्चा करके उसे रिफाइन किया जाएगा, और ये चर्चा लाइव रिले होगी तो पब्लिक को बहुत सारी जानकारी तब तक मिल जाएगी कि नहीं मिल जाएगी? मिल जाएगी। और फिर पब्लिक से लाइव डिस्कोर्स होगा, वो 1-1.5 महीने तक चलेगा, तो पब्लिक से संबंधित जितने भी कंसर्न हैं वो सब आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे? आ जाएंगे। हाँ। आ जाएंगे। उनको समाहित करते हुए, उनको वो करते हुए ये सब कुछ हो जाएगा। तो बताइए, हाँ तो आप मुझे बताइए कि कितनी आसानी से ये महापरिवर्तन जो है जमीन पे उतर जाएगा, इसमें आपको कोई संदेह लग रहा है? अगर सच्चे मन से किया गया जिसमें कोई संदेह की गुंजाइश नहीं, तो अच्छे मन से हमें क्यों नहीं करना चाहिए? नहीं बड़े कर जुट जाए सब। हाँ तो सब कुछ संभव है। तो आप मुझे बताइए कि क्या इस परिवर्तित व्यवस्था के लिए हम सब लोगों को जैसे ही मालूम पड़े, जिनको हम जोड़ते जाएं, उन्हें पूरी शक्ति के साथ बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए? जब अगर पूरी शक्ति के साथ बढ़ेंगे तभी कुछ आगे सफलताएं मिलेंगी। बहुत सही बात आपने कही। तो मैं क्या ग्यास सुंदर तिवारी से ये अपेक्षा करूं कि वो जैसा मैंने उनको समझाया है वैसा करते हुए वो पदी जिम्मेवारी लें और आज से ही बढ़ जाएं, जिससे एक दिन भी जाया ना हो, और महापरिवर्तित भारत को कोई आकाशवाणी करने का मौका ना मिले, और हम अपने लिए और अपने बच्चों के लिए महापरिवर्तित भारत को जमीन पे उतार दें। मैं अपने पूर्ण सामर्थ्य भर इस कार्य में जुट जाऊंगा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मैं आपका हृदय से आभारी हूं, और ये हमारी जो बातचीत हो रही है इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है, तो ये अभी मैं 15 मिनट में अपलोड कर दूंगा, और आप मुझे व्हाट्सएप पे हेलो भेज दीजिए तो मैं आपको भेज दूंगा। और आप एक जैसे एक व्हाट्सएप होता है ऐसे ही एक टेलीग्राम ऐप होता है, वो टेलीग्राम ऐप को भी आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए और उसमें मुझे हेलो भेज दीजिए, तो उसमें जो है फिर आप जो लोगों को जोड़ते हैं उसके वीडियो रिकॉर्डिंग करिए, वो आप मुझे भेज पाएंगे, जिसे हम क्राइम फ्री भारत पे अपलोड करेंगे, तो आपके काम को देख के दूसरे लोगों को भी प्रेरणा मिलेगी। अब ग्यास सुंदर तिवारी जी, आप देशवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो यही एक बात है, कि सब सच्चे मन से अथक परिश्रम के साथ परिवर्तित भारत के लिए तैयार हो और प्रयत्नशील हो लगे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर।
तो इस संदेश के साथ जो है इस वार्तालाप को यदि आपकी इजाजत हो तो विराम दिया जाए। हाँ जी गुरु जी, ऐसा है कि इस मोबाइल के विषय में मुझे ज्यादा तो इसका ज्ञान है नहीं भैया, लेकिन कोई जो है कोई कोई अब बात और नहीं है, आपको कोई ज्ञान नहीं हो, देखिए आपको कोई ज्ञान बच्चे होने की जरूरत नहीं है, मैं आपको अभी 2 मिनट में समझा देता हूँ, ठीक है ना। जी। अभी हम आपको SMS में लिंक भेजेंगे, आप उसको क्लिक कर दीजिए। आपके पास स्मार्टफोन एंड्रॉयड फोन तो होगा ही, जी हाँ ठीक है। तो आप क्लिक करेंगे तो अपने आप वो जो है ना आपसे पूछेगा कि क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, तो आप उसको जो है ना क्लिक कर दीजिए तो वो डाउनलोड हो जाएगा, राइट। इसके बाद जो है ना उसमें एक फ़ोटो का वो देखेगा और उसमें प्लस साइन देखेगा, तो उस प्लस साइन पे क्लिक करके अपना फ़ोटो डाल दीजिए। पहले देख लीजिए कि आपका अच्छा फ़ोटो नहीं है तो पहले फ़ोटो ले लीजिए और उस फ़ोटो को गैलरी में आपके सेव हो जाएगा, उसको जो है ना अपलोड कर दीजिए। फिर अपना आपको नाम लिखना है, अपना जो है नीचे जो है अपना थोड़ा सा अपने बारे में लिखिए विस्तार में कि 70 सालों में आपने क्या क्या किया, राइट। और उसमें जो है फिर अपना आप एरिया कोड डालेंगे, पोस्टल कोड डालेंगे, तो उसके आधार पर आपको जो है आप क्राइम फ्री भारत के मिशन के ना केवल सदस्य बन जाएंगे बल्कि आपके लिए आइडेंटिटी कार्ड भी तत्काल रेडी हो जाएगा, राइट। और ये आइडेंटिटी कार्ड जो है जो ऐप डाउनलोड हुआ है उसको खोलेंगे तो उस ऐप के नीचे की तरफ दाहिनी तरफ प्रोफाइल लिखा है, आप उस प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे तो आपको अपना आइडेंटिटी कार्ड मिल जाएगा, राइट। उसमें ही 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है कि शेयर ऑन व्हाट्सएप, तो उस पर क्लिक करिए, जो व्हाट्सएप से लोग जुड़े हैं उनको बांट दीजिए। एक बार में 5 लोगों को भेज पाएंगे आप, तो जितने लोग जुड़े हुए हैं उतनी बार आपको उसको जो करना पड़ेगा। तो 5 ग्रुप को भी एक बार में सिलेक्ट कर सकते हैं, 5 इंडिविजुअल को सिलेक्ट करते हैं तो सबको कर सकते हैं। अब दूसरा जो उसमें लिंक है उसको नीचे लिखा हुआ है कॉपी लिंक, तो उसको कॉपी लिंक को यदि आप कॉपी कर लेंगे तो ऐसे लोग जो आपसे व्हाट्सएप से नहीं जुड़े हैं उन्हें आप SMS से भेज सकते हैं, राइट। जैसे हमने आपको मिस कॉल के लिए कहा है, आप भी अपने लोगों से कह सकते हैं कि भैया मुझे मिस कॉल दे दो, या मिस कॉल की भी क्या ज़रूरत है, उनके नंबर तो आपके पास सेव हैं, तो उनको SMS में जाके उनको लिंक भेज दीजिए और उनसे कहिए भैया इस लिंक के माध्यम से जुड़ जाइए, राइट। तीसरा है शेयर ऑन मीडिया, तो इसमें जो है ना एक बार में एक मीडिया को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यदि आप फेसबुक से जुड़े हुए हैं, इंस्टाग्राम से जुड़े हुए हैं, ट्विटर से जुड़े हुए हैं, तो जिससे भी जुड़े हुए हैं आप एक एक करके जो है ना उनमें अपना भेज देंगे फीड, और फिर आप सूची बनाइए कि आपके आसपास ऊर्जावान लोग तीनों उसमें से कौन कौन हैं, शिक्षकों में से, विद्यार्थियों में से और वरिष्ठ नागरिकों में, और उनसे 1-to-1 बात करिए जैसे मैं बात कर रहा हूँ, और उनको जो है जोड़ने का काम करिए, और जोड़ने के बाद उनको उनसे कहिए कि वो सदस्य संघ शपथ लें। सदस्य शपथ इसमें अवेलेबल है। इसके लिए एक काम आप और भी कर सकते हैं, वो है कि आप जो ब्राउजर होता है ना क्रोम ब्राउजर, गूगल का ब्राउजर जो होता है ना, तो उस पे यदि आप क्राइम फ्री भारत लिखेंगे तो आपको 2 चीज़ें मिलेंगी। एक तो आपको हमारी वेबसाइट मिल जाएगी जिस पे सब जानकारियां हैं आपकी, हिंदी में जो है ना, अंग्रेजी में, सब तरीके की जानकारियां अवेलेबल हैं उसमें। आपको 21 लक्ष्य कैसे महापरिवर्तित भारत होगा, 21 विधाओं के तहत कैसे लोगों को जोड़ना है, सदस्य की शपथ क्या है, मेंबर्स की शपथ क्या है और चंद्रगुप्त की शपथ क्या है, तो वो सब चीज़ें जो है आप वहाँ पे देख पाएंगे। और वहीं पर एक ऑप्शन है कि डाउनलोड द ऐप, तो आप ऐप पे जो है ना पहुँच के या ज्वाइन करके आप जो है ना ऐप भी डाउनलोड हो जाएगा। तो एक तरीका है मेरी लिंक से जुड़ें और दूसरा है सीधे जो है ना ब्राउज़र पे जाके क्राइम फ्री भारत करके पहले जो है ना वेबसाइट को खोल लें। और एक दूसरा भी है अवेलेबल है, उसमें आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे। एक है जिसमें क्राइम फ्री भारत मिशन लिखा है, उसको यदि आप क्लिक करेंगे तो आपका बिना जो है ना वेबसाइट को देखे ही आपका ऐप आपका डाउनलोड हो जाएगा, और फिर इसके बाद आपने जैसा हमने समझाया उसी तरीके से आप कार्रवाई कर दीजिए। और आज से ही संगोष्ठी करना चालू करिए, यदि कोई बात होती है आपको लगता है कि आप लोगों से हमारी बात कराना चाह रहे हैं तो हम वीडियो बेस्ड कॉल कर सकते हैं, हम गूगल बेस्ड बात कर सकते हैं, गूगल मीट से कर सकते हैं, जूम मीट से कर सकते हैं। तो फिर जो है एक तो आपको क्राइम फ्री भारत यूट्यूब से आप चीज़ों को समझा सकते हैं, और जहां आपको ज़रूरत समझता है 10-15-20 लोग इकट्ठे हो जाएं तो मैं उनको वीडियो सिस्टम के माध्यम से समझा भी कर लूँगा और जोड़ भी लेंगे। बस केवल ये चीज़ देखना है कि एक दिन निकलने पे एक दिन कम हो रहा है, इन दुष्ट लोगों के जीतने की संभावना बढ़ जाएगी, राइट। इसलिए एक दिन भी नहीं निकलने देना है। तो गया प्रसाद तिवारी जी, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, आपकी
प्रशंसा करना चाहूँगा कि आपने जो है स्वविवेक से जो है मिस कॉल दिया आपने और हमारी बात हुई, और ये चीज़ आपको अभी अपलोड हो जाएगी और मैं आपको भेजूँगा, इसको भी आप दूसरे लोगों से शेयर कर पाएंगे। और आप अब इसमें शांति से नहीं बैठना है, कहीं ये महापरिवर्तन हमारे दरवाजे से ना लौट पाए। जैसा हमने आपको समझाया, आप कन्विंस हो गए हैं कि नहीं हो गए हैं कि सभी राजनेता सभी पार्टियों के हार जाएंगे? कन्वेंस तो बस फिर देरी किस बात की है, मत चूको चौहान। चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।